कहते हैं कि कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। डीपी के चैनल का मूल वाक्य एक कदम सच्चाई की ओर है। इसका अनुसरण करते हुए सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 31 व 39 के मध्य बनी पुलिया जो एक माह से क्षतिग्रस्त थी, टूटी पुलिया का पानी सड़कों व गलियों से भरा रहता था, जिस कारण वार्डवासी फिसलकर चोटिल हो रहे थे। कीचड़ का साम्राज्य स्थापित था। नगरपालिका प्रशासन इसकी तरफ गौर नहीं कर रहा था। वार्ड की समस्या को वार्डवासियों ने डीपी के संवाददाता एस के दहिया के समक्ष रखी तो डीपी के न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कर नगरपालिका प्रशासन को कोम करनी नींद से जगाया, जिसका असर ये हुआ कि खबर प्रसारित होने के दूसरे दिन ही नगरपालिका प्रशासन ने टूटी पुलिया को नया बनाने का कार्य शुरू कर दिया। वार्डवासियों को अगले दो दिनों में नई पुलिया मिल जाएगी। वार्ड की यह समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। टूटी पुलिया दुरुस्त होने पर वार्डवासियों ने डीपी के न्यूज चैनल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वह कहा कि डीपी के चैनल ने समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिसके फलस्वरूप वार्डवासियों को टूटी पुलिया से राहत मिली है। वार्ड नंबर 31 और 39 के मध्य जो टूटा हुआ पुलिया था, डीपी के चैनल में जो समाचार आया उसका नगर पालिका के अधिकारियों पर असर हुआ। मैं मुरलीधर पारी, पूर्व जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी व समस्त वार्डवासियों की तरफ से चैनल का हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।